क्यों बॉबी? सिर्फ तू ही है जो अकेले में जासूसी कर सकता है। विक्की प्लीज तू जा यहां से, मुझे अकेला रहने दे। विक्की तू मुझसे क्यों डर रहा है? मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूं ना। हाँ तुझे याद नहीं है बचपन में जब तू डरता था हमेशा मेरे पीछे छुप जाता था। व्हेनेवर यू स्कैर्ड। और आज तू मुझसे ही डर रहा है? तुझे लगता है मैं मर गया हूं क्या? ये तेरे सामने मेरा भूत खड़ा है क्या? हाँ क्या भूत ऐसा कर सकता है? देखिए स्टॉप इट, गो होम। और ये सवाल पूछना जवाब ढूंढना बंद कर दे यार, इसी में हम सबकी भलाई होगी। बाय द वे मुझे पता है तू मरा नहीं। इनफैक्ट आई वाज द वन, तेरे जिंदा रहने की खबर सबसे पहले मेरे पास आई थी। मम्मी भी गए, पापा भी छोड़ के चले गए। नो नो नो, आप स्ट्रांग हो ना, स्ट्रांग बॉय है ना, रोते नहीं है। ओके मैं हूं ना आपके पास, हूं ना, आ जा कोई बात। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी पर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस शिप एक्सेल में मिस्टर विक्रांत नहीं, मिस्टर डेविड का देहांत हुआ था। रिकॉर्ड्स के अदला बदली की वजह से हमने गलती से मिस्टर विक्रांत की फैमिली को उनकी मौत की खबर दे दी। आपको मतलब है कि वो सेफ है? जी थैंक यू सो मच। यू नो आपके पापा बिल्कुल सेफ है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सच? यस। अरे फिर मुझसे भाग क्यों रहा है तू? और मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है ठीक से? मुझसे क्या छुपा रहा है तू? क्या छुपा रहा है मुझसे? जब से मैं आया हूं सब कुछ इतना बदला सा लग रहा है। ये बात मान ले यार प्लीज, कई बार कुछ बातें छुपाने में ही सबकी भलाई होती है। नहीं बॉबी, मेरा जानना बहुत जरूरी है तो तुझे बताना पड़ेगा मुझे। अब तू मुझ पे भरोसा कर सकता है? बता मुझे बॉबी। मैं तुझे नहीं बता सकता विक्की। विक्की तू जा यहां से। विक्की अगर मैंने तुझे कुछ बताया ना तो मैं भी दूसरों की तरह मारा जाऊंगा। विक्की तू निकल यहां। बॉबी तुझे कौन मारेगा? बॉबी विक्की तू मेरी बात को समझ नहीं रहा भाई। विक्की तुझे बॉबी मुझे बता मुझे तुझे तेरे को कौन मारेगा? बॉबी बाद में बात कर। बॉबी मेरी बात सुन। बॉबी मेरी बात सुन। बॉबी मेरी बात सुन यार। क्या मजाक है? What is it? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। हद होती है किसी बात की, किसने किया ये? कब से आपका फोन ढूंढ रहा हूं मैं, तुमने ऐसा क्यों किया? पर पापा, मैंने ये नहीं किया, I swear। तो फिर किसने किया? यहाँ कोई भूत आया था क्या? हाँ? मम्मी ने। क्या? हाँ, मम्मी ने आपका फोन फ्लश में फेंका था ताकि आप किसी से बात ना कर पाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको सब सच पता चल जाएगा। मुझे क्या पता चल जाएगा? हाँ क्या पता चल जाएगा मुझे? अनुज चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अनुज ब्रेकफास्ट करो। एक गिव मी प्लीज। नो, और पूरा मिल्क फिनिश करना है। ओके आज मिल्क नहीं प्लीज। अनुज
हेलो क्या मैम, कल रात एक भयानक तूफान में हमारे शिप का इंजन रूम डैमेज हो गया, जिस वजह से पूरे जहाज में आग लग गई और उस हादसे में मिस्टर विक्रांत का देहांत हो गया। आई एम वेरी सॉरी। हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। मैं और पापी अंकल मम्मी के अंतिम संस्कार करने के बाद हम घर आए और हमें और एक फोन आया। यू नो, आपके पापा बिल्कुल सेफ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सच? यस। मैं तो जानती थी। उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी ना पता नहीं कैसी कैसी गलतियां करते हैं। अनुज चलो खाना खा लो। Let's go. Bobby, अनुज को यहीं छोड़ दो। और विक्रांत को इस बारे में कुछ मत बोलना। और विक्रांत को इस बारे में कुछ मत बोलना। इसलिए जब कोई भी आपको सच बताने की कोशिश करता है तब मम्मा उसे मार देती है। फोन करो। पता नहीं यार कैसे लगी, पर मोना अंदर ही है, उसके चीखने की आवाज सुनती हम लोगों ने। 6 महीने में एक बार तो आते और फिर इतना जल्दी चले भी जाते। मुझे रुकने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं शिप ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। तू मुझ पे भरोसा कर सकता है? बता मुझे बॉबी। मैं तुझे नहीं बता सकता विकी। विकी तू जा यहाँ से। विकी अगर मैंने तुझे कुछ बताया ना तो मैं भी दूसरों की तरह मारा जाऊंगा। विकी चलो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो विकी तोड़ सो।
बॉबी।